साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर मादे की पैमाइश। मादा छोटे छोटे जर्रों से बना होता है जिन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता। मादे के बारीक तरीन जर्रे को जौहर कहते हैं। जरा याद कीजिए, मैं पहला सवाल है, डाल्टन का जोहरी नजरिया क्या है? व्हाट इज द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन ने 1803 में एक नजरिया पेश किया, मादा जौहर से मिलकर बनता है जो ना तकसीम पजीर और ना काबिल फना जर्रा है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स व्हिच आर इंडिविजिबल। सभी मैटर एटम से बने होते हैं जो कि ना तकसीम पजीर है। मुरक्कबात किस तरह बनते हैं? हाउ आर द कंपाउंड्स फॉर्म? दो या ज्यादा अनासिर के कीमियाई मिलाप से मुरक्कबात तैयार होते हैं बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अगला सवाल है, नमक, चूने की कली, पानी, चूना, चूनखड़ी के सालिनी जब्ते क्या है? व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, स्लैक लाइम, वाटर, लाइम, लाइमस्टोन? नमक और सॉल्ट का है NaCl, चूने की कली स्लैक लाइम CaO, पानी वाटर H2O, चूना लाइम CaOH2, चूनखड़ी लाइमस्टोन CaCO3। कीमियाई इम्तिजाज के कवानीन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कीमियाई तामला के दौरान अशिया के मादों की तरतीब में तब्दीली वाक़ होती है। द कम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। 18वीं और 19वीं सदी के साइंसदानों ने बुनियादी तजुर्बात किए। तजुर्बात के लिए इस्तेमाल शुदा अशिया और हासिल शुदा अशिया की बेमुक्स पैमाइश की। डाल्टन, थॉमसन और रुदरफोर्ड जैसे साइंसदानों ने मादों और जोहरों की तरतीब का मुताला करके कीमियाई तामलात के उसूल तलाश किए। डाल्टन के जोहरी नजरिए और कीमियाई तामलात के उसूलों की बुनियाद पर साइंसदानों ने मुख्तलिफ मुरक्कबात के सालिमी जाब्ते लिखे। सालिमी जाब्तों के जरिए कीमियाई तामलात के उसूलों की जांच करेंगे। वेरीफाई द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मींस ऑफ नोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके लिए हमें चाहिए मखरूती सुराही, कॉनिकल फ्लास्क, इम्तिहानी नलियां, टेस्ट ट्यूब्स, तराजू, बैलेंस, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी। इस शक्ल को देखिए। इस शक्ल में दिखाए गए के मुताबिक दो अमल हमें करना है। सबसे पहला अमल, एक बड़ी मखरूती सुराही यानी कॉनिकल फ्लास्क में 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए और इसमें 18 ग्राम पानी डालिए यानी वाटर। क्या होता है देखिए। अब तैयार शुदा नई शय की कमियत मालूम कीजिए। मेजर द मास ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म। तैयार शुदा नए शय की कमियत या मास 74 ग्राम है। इससे साबित होता है कि कीमियाई तामलात के दौरान अशिया के मादों की तरतीब में तब्दीली वाक़ होती है। कमियत या मास में कोई तब्दीली नहीं होती है। कीमियाई तामलात या केमिकल चेंज में कैल्शियम क्लोराइड और पानी का तामुल होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का महलूल मखरूती सुराही यानी कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे और सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन या महलूल इम्तिहानी नली टेस्ट ट्यूब में लेंगे। अब इम्तिहानी नली यानी टेस्ट ट्यूब को धागे से बांधकर एहतियात से कॉनिकल फ्लास्क सुराही में रखेंगे। उसे रबर कॉर की मदद से सील करेंगे। अब मखरूती सुराही यानी कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब यानी इम्तिहानी नली दोनों का तराजों की मदद से कमियत यानी मास मालूम करेंगे। इसकी कमियत या मास 300.23 ग्राम होगा। अब कॉनिकल फ्लास्क को तिरछा करके टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में उंडेलिए। अब दोबारा कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब का वजन कीजिए। अब इसका भी वजन कमियत मास 300.23 ग्राम ही होगा। इस अमल से जाहिर होता है कि सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन और कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन के पहले भी वजन या कमियत और केमिकल रिएक्शन के बाद यानी दोनों के मिलाप के बाद उसका कमियत या वजन या मास एक जैसा ही होता है। इस तजुर्बे से साबित होता है कि इस्तेमाल शुदा अशिया और हासिल शुदा अशिया में अशिया की कमियत में या मास में कोई तब्दीली नहीं होती। बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट रिमेन सेम। ये है वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन।
कीमियाई इम्तिजाज के कानून की तस्दीक। मादे के बका का कानून, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, 1785 में फ्रेंच साइंसदान आइंस्टाइन लिवाज़वे ने अपने तहकीक से ये नतीजा अक्स किया कि कीमियाई तामला के दौरान मादे के वजन में इजाफा या कमी वाक्य नहीं होती। देर इज नो राइज और ड्रॉप इन द वेट ऑफ द मैटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कीमियाई तामलात में हिस्सा लेने वाली आमिल अशिया और कीमियाई तामला के नतीजे में तैयार होने वाली हासिल अशिया का जुमले वजन मसावी होता है, इसे मादे की बका का कानून कहते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स इज सेम एज द टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज कॉल्ड द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मुस्तकिल तनासुब का कानून, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। 1794 में फ्रेंच साइंसदान जे एल प्रोस्ट ने मुस्तकिल तनासुब के कानून की बुनियाद रखी। उसके मुताबिक मुरक्कबात के मुख्तलिफ नमूनों के बुनियादी अज्जा का वजन और तनासुब हमेशा मुस्तकिल रहता है। द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द वेरियस सैंपल ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। मसलन पानी के अज्जा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजनी तनासुब एक तनासुब 8 होता है, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के कीमियाई तामुल से 9 ग्राम पानी तैयार होता है। द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज 1:8। दिस मीन्स दैट 9 ग्राम वाटर इज फॉर्मड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का वजनी तनासुब 3:8 यानी 44 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है। आइंस्टाइन लिवाज़वे एक फ्रेंच साइंसदान थे, इन्हें जदीद कीमिया का मौजद कहते हैं। इन्होंने इल्म कीमिया के साथ साथ इल्म हयातियात और इल्म माशियात के शोबों में भरपूर काम किया है। इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों को नाम दिया। शय के जलने के दौरान मादे का ऑक्सीजन के साथ तामुल होता इस बात को साबित किया। कीमियाई तजुर्बात के दौरान आमिल अशिया और हासिल अशिया के वजन मालूम करने के तरीके का सबसे पहला इस्तेमाल इन्होंने किया। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, सबसे पहले इन्होंने मालूम किया। कीमियाई तामलात के दौरान कमियत मुस्तकिल रहती है, इस उसूल पर पहली बार इन्होंने ही लिखा। मुरक्कबात को मुनासिब तरीके से इन्होंने नाम दिया। 1799 में जदीद इल्म कीमिया की पहली किताब लिखी, जिसका नाम था एलिमेंट्री ट्रीटाइज ऑन केमिस्ट्री। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को नाम दिए, शो दैट मैटर कंबाइंस विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंबशन। कंबशन के दौरान मैटर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। वाज द फर्स्ट टू यूज एक्यूरेट वेटिंग टेक्निक टू वेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक्यूरेट वेट मालूम करने का तरीका सबसे पहले इन्होंने ही इस्तेमाल किया। डिस्कवर दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। असाइन सिस्टमैटिक नेम्स टू द कंपाउंड्स, एग्जांपल सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट, सल्फाइड। ऑथर ऑफ द फर्स्ट बुक ऑन मॉडर्न केमिस्ट्री स्टडीड द एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मर्क्यूरी, जिंक एंड सल्फर। First writer of the law of conservation of mass in a chemical reaction. मुस्तकिल तनासुब के कानून की जांच के लिए कॉपर कार्बोनेट के तजिए और कॉपर नाइट्रेट के तजिए के नतीजे में कॉपर ऑक्साइड इस मुरक्कब के दो नमूने हासिल हुए। इन दोनों नमूनों में हर एक से 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड लिया गया और अलग तौर पर हाइड्रोजन गैस के साथ तामुल किया गया। दोनों में हर एक से 6.4 ग्राम तांबा और 1.8 ग्राम पानी हासिल हुआ। कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ तामुल होकर पानी जैसे मुरक्कब और आइसर तांबा ऐसे दो मादे तैयार हुए। पानी H2O इस मुरक्कब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनासिर
एक तनासुब 8 इस वजनी तनासुब में होते हैं, यानी 9 ग्राम पानी में 8 ग्राम ऑक्सीजन अंशर होता है, मतलब 1.8 ग्राम पानी में 1.6 ग्राम ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन 8 ग्राम कॉपर ऑक्साइड से हासिल हुआ है। इसका मतलब हुआ कि कॉपर ऑक्साइड के दोनों नमूनों में हर एक 8 ग्राम मिकदार में 6.4 ग्राम तांबा कॉपर और 1.6 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद है, और इसमें कॉपर और ऑक्सीजन का वजनी तनासुब 6.4 तनासुब 1.6 यानी 4:1 4 तनासुब 1 है। इसीलिए मादे के दो मुख्तलिफ नमूने के अज्जा का वजनी तनासुब मुस्तकिल होता है, ये इस तजुर्बे से वाज़े होता है। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन की जोहरी कमियत एटॉमिक मास 63.5 और 16 है, यानी कॉपर ऑक्साइड सालमे में कॉपर और ऑक्सीजन इनका जोहरी कमियती तनासुब एटॉमिक मास रेशो 63.5 के बराबर 16 है, यानी जो के अंदाजन 4 के बराबर 1 है। इस तजुर्बे से हासिल शुदा बुनियादी अज्जा का वजनी तनासुब सालमी वजन के जरिए मालूम किए गए तनासुब के मसावी दिखाई देता है, यानी मुस्तकिल तनासुब के कानून की जांच की गई है। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मैच विद द एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन कैलकुलेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दस द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड। इस तजुर्बे से हम समझ सकते हैं कॉपर कार्बोनेट से कॉपर ऑक्साइड लो या कॉपर नाइट्रेट से कॉपर ऑक्साइड लो, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन इनका तनासुब या प्रोपोर्शन हमेशा मुस्तकिल या कांस्टेंट होता है।